हेलो एवरीवन, हाउ इज़ इट गोइंग। आज मैं आपको रोटी बनाने की वो टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी रोटी गुब्बारे की तरह फूलेगी और एकदम सॉफ्ट भी बनेगी। सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताए हैं जिससे आटा लगाने में तो आपकी गलती चाहकर भी नहीं होगी। इस मेजरमेंट से हम 8 रोटी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें जाएगा गेहूँ का 1 कप आटा। नेक्स्ट उसमें डालना है 1/4 टीस्पून नमक। अब उसमें डालना है 1 टीस्पून ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 1/2 कप पानी, पर हम उसे पूरा नहीं डाल देंगे। पानी को ज़रूरत होने पर थोड़ा थोड़ा करके डालें। गेहूं का आटा कैसा है और वेदर कैसा है उसके हिसाब से पानी की ज़रूरत हमें कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। जब पूरा आटा एक साथ आ जाए तब ज़रा सा ऑयल डाल के उसे चिकना कर लेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हमें इसे थोड़ा सा मसल लेना है और उसकी छोटी छोटी 8 लुई बना लेनी है। लुई को आपको ढककर रखना है जिससे कि वो सूख ना जाए। अब हमें रोटी सेकने के लिए एक तवा गर्म होने के लिए रख देना है। अब रोटी बेलने के लिए जो चकला हम यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे एक कपड़ा या फिर ऐसा कुछ रख दीजिए जिसकी वजह से वो बार बार उछले नहीं। रोटी बेलने के लिए आपको थोड़ा सा सूखा आटा चाहिए होगा। इसके लिए आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, मैदा भी ले सकते हो या फिर चावल का आटा भी ले सकते हो। अगर आप नए नए रोटी बनाना सीख रहे हो तो उसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, अदरवाइज आपकी रोटी पूरी फूलेगी नहीं। हमें बीच बीच में भी थोड़ा सा सूखा आटा इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारी रोटी चकले पे चिपके नहीं। अब हमारी रोटी बेल के रेडी है और तवा भी गर्म हो चुका है। अब हल्के से रोटी को तवे पे डालिए और हाई फ्लेम पर पकाइए। इस साइड पे हमें रोटी को इतना पकाना है कि उससे ब्राउन दाग नहीं लगने चाहिए। जैसे ही रोटी को उल्टा करते हैं हमें गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। अब ये साइड पे हमें रोटी को अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आने तक पकाना है। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और रोटी को उसके ऊपर उल्टा डाल के पकाना है। अब रोटी को हमें जाली वाली प्लेट में ले लेना है और जब दूसरी रोटी बन जाती है तब दोनों रोटियों को साथ में घी लगा लेंगे। आप चाहो तो घी की जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हाँ, बटर से रोटी में और ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है। वैसे तो ये रोटियाँ सॉफ्ट ही बनी है, लेकिन उसको लंबे टाइम तक सॉफ्ट रखने के लिए जल्दी से जल्दी हमें उसमें घी लगा लेना है और उसको डिब्बे के अंदर रख लेना है। जैसे ही दो दो रोटियां बनती जाती है उसको घी लगाते जाइए और डब्बे के अंदर रखते जाइए, और गलती से भी डब्बे का ढक्कन खुला मत छोड़ना। मेरे घर में तो रोटी अक्सर बनती रहती है, तो मैं एक ही स्टोव यूज़ करके और बिना चिमटा यूज़ किए रोटी बना लेती हूँ। अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आप चिमटा ज़रूर यूज़ करें। आप चाहे तो 2 स्टोव का यूज़ करें जिससे आपको बार बार तवा इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। बनी है ना रोटी एकदम नरम। प्लीज ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी। नेक्स्ट टाइम आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कुकिंग।